हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दिपाली कौल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो वेलकम, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का पार्ट बनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। क्या लव मैसेजेस हैं फॉर टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। टॉरस देखिए, टैरो डेक से हमारे पास आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। अब देखिए पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी ही एनर्जी है। कप्स है हमारे पास पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हो सकता है कोई और सिग्निफिकेंट इंसान हो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में, बट यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए नेक्स्ट 10 डेज में ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आने तो वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आने वाला है। ये इंसान दिखता कैसा होगा, हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कोई दूसरा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपकी लाइफ में आने वाला हो, बट ये इंसान ना काफ़ी कैजुअली ड्रेस्ड अप होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कैजुअली ड्रेसअप होना पसंद करते हैं। ये स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, बॉल से रिलेटेड क्रिकेट हो सकता है, बट ये थोड़ा कैजुअली ड्रेसअप से मतलब है ट्रैक पैंट्स और पुल ओवर टाइप कपड़े, मैसी बाल, वैसे से बन के घूमना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल कैजुअली, वेल स्पोकन, वेल रेड, अच्छे बात करना, एटिकेट्स वगैरह सब कुछ, बट काफ़ी चिलर इंसान है ये। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं लाइफ का। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स हमको बताता है कि आप ना थोड़े से किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में। हो सकता है इस इंसान को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो, शायद ये इंसान किसी और में भी इंटरेस्टेड हैं या कोई और इनमें इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हो कि यार ये चल क्या रहा है। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो टॉरस। ये लास्ट टू लास्ट रीडिंग में भी आया था आई गेस। थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल पिंच हो सकता है आपका नेक्स्ट 10 डेज में। आप थोड़ा अपने स्टॉक्स को, अपने वॉलेट को, अपनी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल लॉस का मतलब ये नहीं है कि पैसा चोरी हो गया या पैसा गिर गया, घूम गया, या स्टॉक्स में पैसा डूब गया। अगर आपका कैमरा टूट गया, पानी में गिर गया, तो वो भी फाइनेंशियल लॉस ही है ना, उस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो थोड़ी अपनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपने पैसे का ध्यान रखिएगा, मटेरियल, काइंड, कैश जैसा भी, वो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी, बट मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा अपनी इनसिक्योरिटी को, जिस वजह से आपने अपने आप को थोड़ा सा ना जैसे लोग वो नहीं करते हैं कि जब वो इनसिक्योर हो रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि दूसरा आए, उन पे ध्यान दे, थोड़ा सा अटेंशन सीक करते हैं। उनको लगता है कि दूसरा आके ध्यान तो दे, मुझे कुछ पूछे तो सही कोई कुछ, थोड़ी सी वैसी वाली वाइब भी आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कि आप चाहते हो कि कोई आके आपको पूछे कि आप कैसे हो, जस्ट बिकॉज आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, बट मैं आपको बोलूँगी ये मत करिए। ये सब ना थोड़ी गेम्स सी होती हैं। मुझे ये इंसान ये गेम्स प्ले करने वालों में से लग नहीं रहे हैं, तो ये गेम्स मत प्ले करिए आप। अगर आपको आइसोलेशन वगैरह वाली फीलिंग आ रही है तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ये इंसान आपके पास आएंगे, क्योंकि ये बहुत चिलर है, इनको ये सारी गेम्स वगैरह ये सब नहीं पसंद। ठीक है, दूसरी चीज़ नेक्स्ट 10 डेज में मुझे ये भी वाइब आ रही है कि थोड़े से ना आपके पास आप ना फैंटिसाइज बहुत कर रहे हो। अब वो फैंटिसाइज इस इंसान को लेकर आप डिफरेंट सिनेरियोज फैंटिसाइज कर रहे हो कि जब हम साथ में घूमने जाएंगे तो कैसा होगा, जब हम मिलेंगे तो कैसा होगा, जब हम फिजिकल इंटीमेट होंगे तो कैसा होगा। तो फैंटिसाइज, इमेजिन, विजुअलाइज, एक वो इमेजिनेशन जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा दौड़ रही है नेक्स्ट 10 डेज में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमेजिनेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान को लेकर, और आप क्योंकि अलग अलग सिनेरियो सोच रहे हो, अच्छी चीज़ें, मूवी जा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम आगे रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में कैसा हो रहा है, बट उस वजह से क्या हो रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। आप एक ड्रीम वर्ल्ड में हो अपने और आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है, आप रियलिटी में तो रह नहीं रहे हो। ये इंसान वैसे है ही नहीं जो आप सोच रहे हो। मतलब ये अच्छे हैं बट आपका जो ड्रीम वर्ल्ड है, सपनों की दुनिया जो आपने सजाई हुई है, वैसे नहीं है ये। थोड़ा रियलिटी से वाकिफ़ होएं, रियलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा अपना फैंटेसी वर्ल्ड, आइसोलेशन, थोड़ा सा गेम्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ना करें, मैं तो कहती हूँ। पैसे का ध्यान रखें और इस इंसान के संग बिल्कुल सिंपल रहें। देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़? लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। टॉरस देखिए, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आप जो भी इनसिक्योर फील कर रहे हो, या हो सकता है आप उनमें से हो नहीं जो इनसिक्योर फील करो या जो गेम्स प्ले करो, बट नेक्स्ट 10 डेज़ में आप करते दिख रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं कि देखिए, आप उनमें से नहीं हो जिनको दूसरों की ज़रूरत है। आप खुद ही बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप खुद से ही खुश रहने वाले इंसानों में से हो। तो अपने आप को दूसरे के लिए डिग्रेड मत करो, दूसरे के लिए चेंज मत करो। अगर आपको लगता है ये इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, या आपको इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है इस एक इंसान की अटेंशन के लिए, तो रहने दो, मत करो। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत है इस इंसान की, आप बहुत खुश हो इसके बिना भी। तो ये रिमाइंडर था यूनिवर्स की तरफ से। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। देखिए टॉरस, पास्ट में ना हर किसी के कुछ ना कुछ भसड़ चलती रहती है लव से रिलेटेड, आपकी भी होगी। बट अगर आप ये सोचें कि मेरी लाइफ में क्यों ऐसा था, अब क्यों नहीं है, क्यों ये है और ऐसा क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि ये रिहर्सल होती है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे प्ले होने वाला होता है कोई, तो उससे पहले आप रिहर्सल करते हो ना, ताकि आपका प्ले परफेक्ट हो। आप सीधा प्ले में तो नहीं जाते हो। सिमिलरली यूनिवर्स आपको जो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपका जो प्यार है, बेस्ट वाली जो चीज़ है, वो आपके लिए लास्ट के लिए रखती है। बाकी सारी चीज़ें रिहर्सल होती हैं कि टॉरस जितनी गलतियां करनी हैं, जो सीखना है, समझना है, एक्सपीरियंस लेने हैं, वो पहले बाकी लोगों के संग ले लो, क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल परमानेंट इंसान होगा उसके साथ तुमने कोई गलती नहीं करनी है। वहाँ पे तुम गलती मत करना, तो पहले अपनी पूरी रिहर्सल प्रैक्टिस कर लो। तो अभी तक ना आपकी रिहर्सल और प्रैक्टिस चल रही थी, ठीक है। हो सकता है इस इंसान के साथ आपको ये रियलाइज़ हो कि आप में कुछ चीज़ें हैं जो आप ख़राब करते हो, जैसे कि ये गेम्स प्ले करना, या दूसरे की किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर होना। और ये चीज़ें जैसे ही आपको रियलाइज़ हो, आप ये चीज़ें ठीक कर लो अपने अंदर, राइट। अगर आप अपने अंदर भी कुछ चीज़ें ठीक करोगे तो वो भी सेम ही मतलब हुआ, रिहर्सल हो रही थी, ताकि कोई चीज़ें आपको ठीक करनी हो, दूसरे से सीखनी हो, बुरा एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो पहले हो जाए। हो सकता है ये इंसान ही हो आपके दी वन, द परमानेंट वाले। डोंट बी मिसलेड। अब देखिए यूनिवर्स यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि करना क्या है। अगर आपको ये इंसान, मुझे ऐसी कोई ख़राब वाइब तो नहीं आ रही है इस इंसान से, बट सिचुएशन देखिएगा, सर्कमस्टांसेस देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा आपको जानबूझ के आपको अपने पीछे भगा रहे हैं, तो प्लीज़ मत करिएगा वो सब। इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनीवन, ठीक है। सिचुएशन देखिए, आप थोड़ा इनके प्यार में ना रम मत जाइएगा, बिल्कुल ही घुम हो जाए इनके प्यार में, तो मिसलेड मत होइएगा। हो सकता है कि ये जानबूझ के आपसे वो चीज़ें करा रहे हों जैसे आप इंसान हो नहीं, पीछे भागने वालों में से, इनसिक्योर होने वालों में से, बट आप वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान करवा रहे हैं आपसे इनडायरेक्टली। वो कई बार होता है ना कि आप किसी को ब्रेड क्रम्बिंग करते हो, बिल्कुल टुकड़े फेंकते हो प्यार के, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दूसरा इंसान कहता है कि यार मुझे चाहिए, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है इस इंसान से, मुझे इसी इंसान का प्यार चाहिए। आप क्रेव करने लग जाते हो। तो हो सकता है वो वाली गेम्स ये भी प्ले कर रहे हो, आप भी गेम्स प्ले कर रहे हो, वो टॉक्सिक हो रही हो चीज़। अगेन, मुझे टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, मुझे ये इंसान बहुत ही चिलर और बहुत ही कैजुअल दिख रहे हैं। बट अगेन, हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई वाइब ना हो, इनकी तरफ से सिर्फ कैजुअल वाइब हो, आप सीरियस होने लग जाओ। डोंट बी मिसलेड, ओके। तो ध्यान से परखिएगा, सिचुएशन को देखिएगा कि आखिर दूसरे की इंटेंशन क्या है, आप दोनों सेम पेज पे हो या नहीं हो। देखते हैं चार्म्स में से अब हमारे पास क्या है टॉरस के लिए। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, क्या लव मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। देखिए हमारे पास है जिराफ, आप या आपके ये इंसान बहुत लंबे हो सकते हैं। हमारे पास है एक फ़िश का स्केलेटन, हो सकता है आप किसी आपको फ़िश पसंद है खाना, या कोई आपका जो इंसान है, या आप कोलकाता से बंगाली हैं, आपको तभी शायद फ़िश खाना पसंद है। हो सकता है आपको सी फूड खाना पसंद है, सी फूड वाली किसी जगह पे हो, आप बीच वाली जगह पे हो। यहाँ पर हमारे पास है सन, सन के अंदर है एक थर्ड आई बनी हुई। तो अगेन मैंने आपको बोला सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन देख के चीज़ करिएगा, जो भी करनी हो विजडम यूज़ करिएगा। हो सकता है ये इंसान आपके लियो भी हो, क्योंकि सन है हमारे पास, लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है, तो वो भी हो सकता है। आपका मून साइन हो सकता है लियो, बट अपना थर्ड आई एक्टिवेटेड रखिएगा, विजडम यूज़ करिएगा, बहते मत जाइएगा। हमारे पास है लेटर एच। अब एच से कुछ भी हो सकता है, आपका स्ट्रीट, ब्लॉक, सिटी, कंट्री, स्टेट, नाम, इनिशियल, सरनेम, ऑफिस, कॉलेज, एट्सेट्रा। हमारे पास है शैम्पेन और 2 ग्लासेस। तो हो सकता है आप ये कहीं पे डेट पे जाएं जहाँ पे आप लोग शैम्पेन पिए या किसी तरीके की और अल्कोहल पिए, कंज्यूम करें, चिल करें थोड़ा सा, आपस में कोई डेट हो सकती है। बट थोड़ा सा इनसे ना ऑब्सेस मत होइएगा, मुझे ये बहुत ही टेम्पररी इंसान लग रहे हैं, ये कोई परमानेंट इंसान नहीं लग रहे हैं। हमारे पास है ट्री ऑफ लाइफ। अब देखिए ग्रोथ हो रही है आपकी, मे बी इस इंसान के साथ नहीं, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली बहुत हो रही है। मुझे यहाँ पे कोई भी कपल वाइब्स नहीं आ रही हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे बहुत अच्छे से, हो सकता है उसके बाद फ्रेंड भी बन जाएं, बट स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा लवी डवी हो सकता है, बट कोई ऐसे परमानेंट वाइब नहीं है। आपकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ आपकी ग्रोथ है, आपकी एज अ कपल ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। बट मोस्टली यही मैसेजेस थे मेरे पास टॉरस यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको पसंद आई ये रीडिंग और रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। आइए मिल के बढ़ाते हैं फैमिली। थैंक यू, बाय।